एक तरफ तो देश में कोरोना के चलते 21 दिन का लॉकडाउन है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट देश के नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करवाने के लिए जो भी अर्जेंट बेसिस पे या इमरजेंसी बेसिस पे पेटिशन फाइल कर रहे हैं उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हियरिंग करने के बाद उन्हें उनमें जो भी सुटेबल ऑर्डर्स उनको लगता है वो पास कर रहे हैं। इसी के चलते आज 3 अप्रैल को कुछ रिट पिटीशंस, उसके अलावा कुछ बेल एप्लीकेशन और क्रिमिनल SLP भी लिस्ट हुई, लेकिन कुछ रिट पिटीशंस थी जिसमें एक हर्ष मंदर के द्वारा थी, दूसरी अग्निवेश के स्वामी अग्निवेश के द्वारा, और एक महुआ मोइत्रा जो कि पश्चिम बंगाल से AITC जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है उनकी मेंबर पार्लियामेंट है। ऐसे ही एक केरला से कासरगोड के MP की तरफ से कर्नाटका और केरला के जो रोड ब्लॉकेड है उससे संबंधित एक अलग आलोक श्रीवास्तव के नाम से एक रिट पिटीशन थी, और एक सुमोटो जो कॉग्निजेंस लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में और जो है चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन से संबंधित इश्यूज जो हैं, यानी कि प्रिजन को डीकंजेस्ट किया जाए, खासकर उस समय जब कोरोना नामक महामारी देश में फैली हुई है और सबसे ज़्यादा जो क्राउडेड प्लेस है वो प्रिजन्स, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस ये सब हैं। तो इन सब में ज़्यादातर जो पेटिशंस थी, जैसे हर्ष मंदिर की पेटिशन, स्वामी अग्निवेश की पेटिशन, महुआ मोइत्रा की पेटिशन, इन 3 पेटिशंस में नेक्स्ट डेट 7 अप्रैल डिसाइड की है, और तब तक जो है स्वामी अग्निवेश और जो हर्ष मंदिर की पेटिशन है उसमें स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट ने मांगी है यूनियन की तरफ से। इसके अलावा महुआ मोइत्रा वाले केस में जो है पेटिशन की कॉपी जो है ईमेल करने के लिए सॉलिसिटर जनरल को ईमेल की जाए ये कहा गया है। इसके अलावा जो अलग आलोक श्रीवास्तव की जो पिटिशन थी उसमें ये था कि जो प्राइवेट होटल वगैरह हैं उन उनसे संबंधित थी कि वो जो है क्वारंटाइन फैसिलिटी बनाने के लिए, आइसोलेशन फैसिलिटी बनाने के लिए सरकार के द्वारा टेक ओवर कर लिए जाएं। तो उसमें सोलिसिटर जनरल ने कहा जैसी जैसी ज़रूरत पड़ रही है वैसे वैसे सरकार ये सब कर रही है, प्राइवेट प्रॉपर्टीज को रिक्विजिशन उसी ढंग से किया जा रहा है उसका। तो उसको देखते हुए कोर्ट ने उस रिट पिटिशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया। जो कर्नाटक और केरला रोड ब्लॉकेट की थी उसमें कोर्ट ने कहा है कि सेंटर इसमें मीडिएट करे और इस मामले को सुलझाए। इसके अलावा जो ये पिटिशन थी जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, ऑब्जर्वेशन होम, प्रोटेक्शन होम ये हैं, इनके संबंधित एक डिटेल्ड ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने आज पास किया है ताकि वहाँ पे कोरोना के पेंडेमिक के टाइम जो है अच्छे से साफ सफाई हो और कैसे वहाँ पर सफाई की जाए, क्या तरीके अपनाए जाए, वो सब उस डिटेल्ड ऑर्डर में लिखा गया है। एक खास बात आज ये हुई कि जो स्वामी अग्निवेश और हर्ष मंदिर की जो पिटिशन थी उसके चलते सोलिसिटर जनरल ने कहा कि जो लॉकडाउन पीरियड है 21 दिन का, कम से कम इस दौरान सुप्रीम कोर्ट जो प्रोफेशनल PIL शॉप्स हैं, यानी कि जो लोग उनका जो कहना था कि जो चीप पब्लिसिटी के लिए जो लोग सुप्रीम कोर्ट का यूज करते हैं, और खास करके ऐसे अनप्रेसिडेंटेड टाइम में जब कोरोना पेंडेमिक के चलते पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वार फुटिंग पे काम कर रहा है, उस समय कुछ लोग जो है ऐसा कुछ कर रहे हैं कि चीप पब्लिसिटी के लिए पिटीशन फाइल कर रहे हैं, और उससे क्या है कि जो अधिकारी ग्राउंड पे काम करता उसकी बजाय हो सकता है कि उसको फिर स्टेटस रिपोर्ट या जो रिप्लाई तैयार करने में लगना पड़ेगा, और जबकि इस समय सभी को कोशिश ही करनी चाहिए कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाए। और ज़्यादातर जो पिटिशन्स है सब में वही है कि जो डाउनट्रोडन, माइग्रेंट वर्कर, पुअर, स्लम एरिया, उन सब के लिए सरकार क्या कर रही है या सरकार की तरफ से क्या मिसमैनेजमेंट है, इसी के ऊपर ज़्यादातर पिटिशन्स जो है फाइल की गई है।
तो इसमें सोलिसिटर जनरल का ये कहना था कि खास करके जो अगले 21 दिन तक इस तरह की पिटीशन ऐसे लोगों की एंटरटेन नहीं की जाए, खास क्योंकि इसमें जो लोग हैं, कुछ लोग जैसे हर्षमंदर है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का पिछले दिनों कंटेम्प्ट नोटिस भी इशू किया गया था, क्योंकि किसी पब्लिक मीटिंग में उन्होंने ये कहा था कि जो है हमें सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से पिछले कुछ समय से काम नहीं कर रहा है। उस तरह की उनकी कुछ इंटेंशन थी कहने की कि जो कुछ किया जाएगा CAA के रिलेशन में था कि वो सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट से डिसाइड नहीं किया जाएगा, वो सड़कों से डिसाइड किया जाएगा। तो उसके बाद से सरकार, जो सरकारी वकील यानी कि सोलिसिटर जनरल का इसलिए ही कहना होगा कि जो ऐसे लोग जो केवल चीप पब्लिसिटी के लिए कुछ कुछ करते रहते हैं, अपनी पिटीशन भी फाइल करते हैं, फिर सड़क पे जाकर के कुछ और बोलते हैं, ऐसे लोगों की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट अगले कुछ समय के लिए इंटरटेन ना करें।